choosing a life partner? I guess university ka major choose karte hai. Kapde. Ke कदम सोच समझ के लेना चाहिए। वेलकम बैक टू अखिल वेब। और आज हमारे साथ बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट दैट यू शुड चूज वाइजली इन लाइफ, बहुत सोच समझ कर जिंदगी में किस चीज को आपने चूज करना है। तो लोगों से पूछते हैं शादी मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वैसे तो काफी चीजें हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से लाइफ पार्टनर। क्योंकि उसके साथ आपने अपने घर वालों से भी ज्यादा अगली जिंदगी गुजारनी होती है। ऑलमोस्ट 50 टू 60 इयर्स तो लाइफ पार्टनर मेरे ख्याल से। मैं तो एक बात बोलूंगा आपसे, ठीक है? लाइफ में आप अपने जो मनपसंद इंसान है ना, उसको देख के चुनो। क्योंकि आपको ना यहाँ पे पत्थर दिल लोग मिलेंगे। यार मुझे ऐसा लगता है कि और ये एक मोटिवेशन स्पीकर का कोट भी है कि चूज द मदर ऑफ योर चाइल्ड वाइजली। तो अपने बच्चों की माँ को जो है ना आपने बड़ी ध्यान से चूज करना, क्योंकि कल कला वही बच्चे उठ के आपकी जगह पे खड़े होंगे। टारगेट गोल अपना लाइफ। ओके। इंसान को लोग अपनी जिंदगी में जो होते हैं, जिनको वो करीब रखना चाहते हैं, वो देख के चूज करना चाहिए। क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा नहीं, हर तरफ सीन के सांप ही निकलते हैं। मेरे ख्याल में तो लाइफ पार्टनर है, क्योंकि अगर हम लोग एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिसाइड कर लेंगे या मतलब अपने साथ चलने वाला बना लेंगे तो समथिंग कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट तो पहले हम लोग अपने करियर को देख लें, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग करियर के साथ साथ अगर, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की, हम लोग स्पेशली गर्ल्स के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर साथ में लड़का ना हो तो वो मतलब इस तरह मतलब सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकती हमारे पाकिस्तान में। ये सबसे पहली चीज़ है आपका करियर, एंड हमेशा करियर के अंदर योर एंड पॉइंट शुड बी इन योर माइंड। If you know what is your end point, then you will be motivated toward it. And second thing, your wife. Choose करना चाहिए। कपड़े। मैं सोच समझ के choose करना चाहिए। जी जी। अगर कोई option, कोई hint वगैरह दो। कोई option। Okay, बहुत मुश्किल सवाल है, तो आपको hint देते। मतलब है कि घर, बीवी, गाड़ी। अच्छा, गर्ल और बीवी अलग, गर्ल अलग, बीवी अलग। नहीं नहीं गाड़ी, नहीं नहीं नहीं, हाँ? अलग अलग नहीं, जो आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे वो क्या है आपके लिए? यार मेरे लिए जोन है ना वो बीवी है। बीवी है। हाँ, बीवी प्रायोरिटी रखती है घर से ज्यादा। ओके। आई गेस यूनिवर्सिटी का मेजर चूज करते हुए मैंने सबसे ज्यादा उसके बारे में ही सोचा था, और अभी तक सोच ही रही हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। बट आई एम स्टिल नॉट लाइक शौक कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, आई एम लाइक सीरियसली थिंकिंग टू चेंज इट। तो मैं कहूंगी भाई मेजर चूज करने से पहले बहुत सोचना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, वो है बीवी। ओके। चूजिंग अ लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर क्यों? क्योंकि वो आपकी जो आगे आप व्हेन यू हैव किड्स एंड एवरीथिंग, उनके फादर, वो अपना फादर खुद तो नहीं चूज कर सकते ना। यू हैव टू चूज अ गुड पर्सन फॉर योरसेल्फ कि वो आपके लाइफ में वैल्यू ला सके। Okay. ऐसे इंसान। और दूसरा आपने एजुकेशन के लिए अच्छी डिग्री। ओके। लाइफ में ना सबसे पहली बात जो है ना सोच समझ के जो चीज लेना चाहिए ना, वो एक कदम सोच समझ के लेना चाहिए। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इसकी क्या लॉजिक है? क्यों रात के टाइम अगर चलते हो ना अंधेरे में तो आप कहीं गिर सकते हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर लड़की मैं बताऊँ तो लाइफ पार्टनर okay. सोच समझ के चूज करना चाहिए, क्योंकि आपको सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी होती है। मेरे ओपिनियन में जो आपकी डिग्री है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ये इसी के ऊपर बेस करती है आपकी पूरी आगे ज़िंदगी, कि आपका करियर आगे किस तरह होगा, आपका पूरा लाइफ स्टाइल किस तरह होगा, फ्यूचर।